आज की रेमेडी में हमारे दो स्टेप होने वाले हैं, दोनों ही स्टेप हम करेंगे कच्चे दूध से। मैंने इसके अंदर दूध ले लिया है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप, मेरे हाथ में स्पून है, कटोरी है, हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा रो मिल्क। कच्चा दूध ही आप लेंगे क्योंकि कच्चा दूध कमाल का होता है। जब हम दूध को गर्म कर देते हैं ना, तो इसके बहुत सारे न्यूट्रिशंस उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इतना सा मैंने दूध लिया है, एक चम्मच, और आधा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल दूंगी एलोवेरा जेल। और बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि ये जो दूध और एलोवेरा जेल है ये अच्छे से एक दूसरे के साथ रम जाएं, बिल्कुल मिक्स हो जाएं। और एक दो कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो मेरी, मतलब कि मेरी बोली को लेके, आपको पता है मैं हरियाणा की हूँ और कई बार अपनी जो लैंग्वेज होती है वो निकल जाती है। तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी मजाक उड़ाएंगे। जब आप मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना व्यक्तित्व प्रकट कर रहे हैं कि आप एग्जैक्ट हैं कैसे, क्या आपको सिखाया गया। ठीक है, तो कमेंट्स नेगेटिव करने से पहले, आवाज़ को लेके, बोलने को लेके करने से पहले सोच लीजिएगा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो मैंने मिक्स कर लिया है, ये हमारा क्लिंजिंग मिल्क बनके तैयार हो गया। और आपको पता है कि क्लिंजिंग मिल्क क्या करता है? जितनी गंदगी होती है, डस्ट होती है फेस पे, उसको हटाने का काम करता है। करता है कि नहीं करता है? हम क्लिंजिंग मिल्क, जैसे आयुर का आता है और भी बहुत सारे ब्रांड का आता है, तो वो क्या काम करता है भाई? जो आपकी स्किन पे गंदगी है, जो पिंपल आ गए हैं, उनको हटाने का काम करता है। तो इस क्लिंजिंग मिल्क के साथ आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अपने फेस पे, अपनी आंखों पे भी आप इसको लगा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप पैकिंग वाला एलोवेरा जेल ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश है तो फिर तो बात ही क्या है। तो अच्छे से कपड़ा वपड़ा रख के नीचे अपने कपड़ों पे, फिर बिल्कुल अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपको इसके साथ क्या करना है, मसाज करनी है। अच्छे से एक प्यारी सी मसाज अपनी स्किन पे आपको छोड़नी है, ऐसे फिंगर के साथ। अगर पिंपल्स हैं स्किन पे तो हल्के हाथों से कीजिएगा, अगर पिंपल नहीं है तो हल्के से टाइट हाथों के साथ आपको ये वाला स्टेप करना है, बिल्कुल अच्छे से। और बहुत सारी लड़कियाँ मुझे बोलती हैं कि गड्ढे हो गए हैं आंखों के नीचे, तो इस तरीके से आपको, जब रात में टीवी देखते हैं ना बैठ के कोई ना कोई, तो आपका फेवरेट सीरियल आता होगा, जैसे कि मेरा आता है, मैं फेवरेट सीरियल है मेरा, तो मैं उसको देखते देखते क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ जो भी रेमेडी होती है मेरे पास, और उसके साथ मैं अपनी आंखों पे लगी रहती हूँ। जब तक देखती हूँ तब तक मैं टीवी की तरफ नज़र होती हूँ और मैं ऐसे करती रहती हूँ। इससे क्या है, अपना टाइम भी बचेगा, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, सीरियल भी देख लेंगे और अपना फेस भी चमक उठेगा, अपनी आँखें भी ठीक हो जाएंगी। तो बस जितनी देर भी आप टीवी देखते हैं ना रात को, खास करके रात को जब सारे सो जाते हैं, हम टीवी देखते हैं, मज़ा आता है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉटन, और कॉटन के साथ हम क्या करेंगे, ये जो हमने लगाया है फेस पे, इसको हम उतार देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से साफ करना है। जैसे जैसे आप साफ करते जाएंगे ना, आपको लगेगा कि आपका फेस बिल्कुल अच्छा निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी क्लिंजिंग। और क्लिंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डर्टी फेस के ऊपर इस तरीके से कोई भी पैक लगा लेंगे तो फिर वो आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगा। ओके जी, ये देखिए कितना निकला है। ये देखिए ब्लैक ब्लैक निकला है ना, तो ऐसे ही निकलेगा। फिर आपको क्या करना है, मैं पहले एलोवेरा कर दे रही हूँ बंद ताकि मेरा हाथ ना लगे, क्योंकि ये मुझसे है ना चीज़ें गिर जाती हैं, निकल जाती हैं। ये है आंवला पाउडर, इसके अंदर होता है विटामिन सी। अगर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, आपकी स्किन डल हो चुकी है, या फिर आपकी स्किन पे बहुत सारे पिंपल हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा। एलोवेरा है इसी के अंदर, और इसी के अंदर दूध है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आंवला पाउडर। एक बार जिस तरीके से मैं आपको पैक बनाना सिखा रही हूँ ना ये वाला, इस तरीके से आप एक बार आंवला पाउडर लगा के तो देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। तो फिर हम कर देंगे इसको मिक्स। मिक्स करने में टाइम लेगा ये, क्योंकि ये एकदम से जो दूध है
इसको अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता है। इसको पैक बनाने में थोड़ा सा तो आपको टाइम लगेगा, तो पैक बनने में लगभग 5 मिनट लगे हैं मुझे इसे बनाने में। और अभी मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी अपर डायरेक्शन में। आपको पता ही होगा अगर आप मेरी स्किन केयर वाली वीडियोस देखते हैं तो आपको अपर डायरेक्शन में लगाना है, एकदम बेहतर ग्लो आएगा, बेहतर बिल्कुल अच्छे से पूरे फेस पे लगा लेना है आपको। और लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपने देखा होगा मुझे यहाँ पे एक दो पिंपल आया है, तो मैं दिखाऊंगी उसके अंदर एकदम से फर्क दिखेगा आपको। तो इस तरीके से हम लगाएंगे पूरा पैक। आप चाहें तो इसे अपने हाथों पे, अपनी गर्दन पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी इफेक्ट। तो लीजिए, अभी मैं वेट करूंगी 15 मिनट का और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, ओके। और सिंपल पानी के साथ ही वॉश करना है आपको। तो यह लग चुका है, यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा क्योंकि पिंपल्स थे ना यहाँ पे, तो इसलिए। तो यह मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं फेस पे कैसा फर्क है। थोड़ा सा पीछे कीजिएगा वीडियो, मेरी पहले वाली शक्ल देख लीजिएगा और अब वाली शक्ल देख लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आएगा। तो इसे जरूर ट्राई करना है, बहुत ही अमेजिंग है और आपके बजट में है। और ये पैक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और पहले भी बहुत ही गजब का रिजल्ट मिला था मुझे इसका। और अब तो मैं वीक में इसको लगा लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है इस पैक को आपको जरूर ट्राई करना है। ये पहले वाला स्टेप भी फॉलो करना है, ये भी फॉलो करना है, ओके। और फिर मुझे बताना है।